हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी गुरुनीति चल रही है, गुरुनीति कम प्रीवियस ईयर पेपर फॉर जेई मेन चल रहे हैं ना, इसमें आपका यूनिट वन से लेके फोर तक हो चुके थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना यूनिट फाइव। यूनिट फाइव में जो टॉपिक्स हैं वो अपने क्या हैं, पॉइंट्स एंड स्ट्रेट लाइन। तो इनको अपन इनके क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, साथ में ये जो क्वेश्चन हैं वो अपन ने कहाँ से लिए हैं, लेटेस्ट जो अपनी जेई मेन्स के एग्जाम हुए हैं उससे, ठीक है ना, 21 में और 20 में जो हुए हैं, ठीक है ना। तो अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन वन से। तो माई सेल्फ देवेंद्र अग्रवाल, टीम मैथ्स, CLCC कर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 to π फॉर विच द पॉइंट दिस एंड दिस लाई इन द ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन दिस वन। तो एक बात बताओ मेरे को आप, कि अपने कंसेप्ट क्या पढ़ा है कि किसी भी लाइन के दो पॉइंट सेम साइड में होते हैं तो अपन क्या करते हैं, किसी भी एक पॉइंट को रख के देखते हैं तो उस पर जो सेम साइन आ रहा है वही सेम साइन आना चाहिए सेकेंड पॉइंट को पुट करने पर। अपने को ये पता है, जैसे अपन कहते हैं कई बार कि मान लो आपके सामने कोई एक लाइन है और इस लाइन के ओरिजिन लाई कर रहा है, मान लो इस साइड में लेफ्ट साइड है ना, बिलो दिस लाइन, या फिर आप लेफ्ट ही कह सकते हो। एक्चुअल में लेफ्ट और बिलो कुछ नहीं, अपन तो सिंपल सा क्या चेक करते हैं, दो पॉइंट्स का क्या पोजीशन चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी लाइन। तो एक पॉइंट ओरिजिन ले लिया, दूसरा पॉइंट ले लिया, तो अब ये जो पॉइंट लिया है मैंने मान लो पी, ये इसी साइड में लाई करेगा। इसके लिए क्या होना चाहिए कि दोनों का जो साइन है लाइन को पुट लाइन में पुट करने पर वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अब चलते हैं यहाँ पर। तो लाइन अपनी क्या है, लाइन है अपनी एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब अपने से कह रहा है वो कि ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, सेम साइड ऑफ लाइन आते हैं, तो पहले 1, 2 को रख के देखो आप। तो 1 + 2 - 1 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा को मैं रखूंगा तब भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो रखते हैं इसको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। अब अपने को पता है ये ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की फॉर्म बन चुकी है, इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करेंगे अपन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो क्या करोगे आप, इसका देखो कोफिशिएंट कितना है 1, इसका भी कितना है 1, तो क्या करोगे रूट 2 से, है ना, 1² + 1² = 2 एंड अंडर रूट ऑफ 2 इज रूट 2, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसको अपन, ठीक है। तो रूट 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को और उससे डिवाइड कर दिया रूट 2 से ही। तो क्या बन गया ये, अब ध्यान से देखो आप क्या बन गया ये, 1/√2, इसको आप लिख दो कॉस 45, तो ये बन गया साइन थीटा कॉस 45 प्लस कॉस थीटा साइन 45, तो क्या बन गया ये साइन ए प्लस बी, तो ये बन गया साइन ए प्लस बी, तो ये लिख सकते हैं अपन साइन थीटा प्लस 45 डिग्री, थीटा प्लस 45 डिग्री, दैट इज पाई बाई 4। और इसको ऐसा करो आप इधर ले जाओ, है ना, ग्रेटर देन 1। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे अपन, क्या आ जाएगा, देखो ये आ रहा है मेरे ख्याल से साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 ग्रेटर देन 1/√2। अब आप एक काम करते हैं, क्या करते हैं अपन, छोटा सा काम करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से इसका, साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है, देखो साइन एक्स का ये होता है। अब अपने से क्या कह रहा है ये, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/√2, सो 1/√2 वैल्यू कहाँ पर होती है, 45 पर होती है, ये मान लिया मैंने, दिस लाइन इज साइन एक्स इक्वल्स टू 1/√2, है ना, दिस इज 1/√2। तो अब मेरे को कौन सा लेना है, साइन 1/√2 से क्या होना चाहिए, साइन बड़ा होना चाहिए, दैट इज दिस पोर्शन, दिस पोर्शन। और आप देखो तो इंटरवल क्या देखा है अपने, 0 to π, तो 0 से π में मैं बात करूँ, 0 to π में, तो मेरे पास क्या सॉल्यूशन आएगा, सिर्फ ये आएगा। और आपको पता है कि ये वैल्यू कहाँ पर रही होगी, 1/√2 π/4 पर, और ये वैल्यू किस पर रही होगी, π - π/4, दैट इज 3π/4। तो अब अपने को समझ में आ गया कि ये 3π/4 है और ये π/4 है, तो अपना इंटरवल क्या आएगा, π/4 से 3π/4, सो यू कैन राइट ओवर हियर एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी थीटा प्लस, यहाँ लिख लेते हैं थीटा प्लस π/4 बिलोंग्स टू व्हाट, π/4 to 3π/4, π/4 सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो क्या मिल गया आपको, 0 से π/2। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 0 to π/2, लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन सेकंड। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ ट्रायंगल एबीसी हैज वर्टिसेस ए बी एंड सी देन इट्स ऑर्थो सेंटर हैज कोऑर्डिनेट्स। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको मैं एक बात बता दूं कि जब भी बात होगी किसकी, ऑर्थो सेंटर की, तो ऑर्थो सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, तो आपको ना ये पता चल जाएगी वो ट्रायंगल कैसा बन रहा है, ट्रायंगल कैसा बन रहा है, इन द सेंस कि आपको ये समझाना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है मान लो, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल होता है उसी वहीं पर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। और यदि मैं सर्कम सेंटर की बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल में कहां होता है सर्कम सेंटर, आपका मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो आप एक काम करो पहले ये पता लगा लो ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, तो ट्रायंगल अपन देखें तो इसका जो स्लोप है वो ले लेते हैं अपन, तो AB का स्लोप क्या रहा है, देखो जरा आप m1 आ जाएगा 1 - 7 / -7 + 1, तो 6 / -6, दैट इज -1।
तो एम वन का स्लोप आ रहा है माइनस वन, एम टू का स्लोप देखो माइनस सिक्स अपॉन ट्वेल्व, माइनस सिक्स अपॉन ट्वेल्व यानी कि आ गया माइनस का वन बाई टू, तो एम टू आ गया माइनस का वन बाई टू, सही बोला है मैंने, माइनस सिक्स अपॉन प्लस ट्वेल्व सही है माइनस वन बाई टू। लास्ट एम थ्री, एम थ्री बोले तो स्लोप ऑफ ए सी, तो एम थ्री कितना रहा ये भी चेक कर लो फटाफट से, क्या पता दो लाइन्स परपेंडिकुलर आ जाए तो जो राइट एंगल होगा वहीं पे क्या कर लोगे आप सीधे सीधे ऑर्थो सेंटर आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से क्या रहा है देखो माइनस फाइव यानी कि माइनस का ट्वेल्व अपॉन फाइव प्लस वन सिक्स, माइनस ट्वेल्व अपॉन सिक्स यानी कि माइनस टू, ये आ गया माइनस टू। तो अब आप देखो कि ओहो माइनस टू आ रहा है यहाँ, माइनस हाफ आ रहा है यहाँ, यदि प्लस आ रहा होता मतलब दे आर ऑफ अपोजिट साइन होते, इफ दे आर ऑफ अपोजिट साइन देन वी कैन से एम टू इज एम टू एंड एम थ्री प्रोडक्ट ऑफ एम टू एंड एम थ्री इज माइनस वन, दैट मीन्स स्लोप ऑफ ए सी एंड स्लोप ऑफ बी सी है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन आ रहा है, इसका मतलब बी क्या सी क्या हो जाता है राइट एंगल हो जाता है इस केस में, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल 90 डिग्री नहीं आ रहा है तो अपन कैसे करेंगे सॉल्व, देखो वैसे जनरली क्वेश्चंस में ऐसा होता है ना कि अपने पास क्या है वन एंगल क्या आ जाता है 90 डिग्री आ जाता है ना, माइनस सेवन कॉमा वन फाइव कॉमा माइनस फाइव, चलो करते हैं। तो देखो जनरल तरीका क्या है अपना ऑर्थो सेंटर फाइंड करने का, सिंपली अपन क्या करते हैं कोई भी दो एल्टीट्यूड्स निकालेंगे और उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर, या फिर एक काम ये भी हो जाता है कई बार क्या कि आप एक एल्टीट्यूड निकाल लो और उस पर पॉइंट को सेटिस्फाई करा के देख लो एमसीक्यू क्वेश्चन में, ठीक है ना यदि टफ हो रहा है तो। तो चलो करते हैं, सबसे पहले ये बताओ मेरे को माइनस सेवन कॉमा माइनस वन कॉमा सेवन कौन सा था, ए बी है अपना माइनस सेवन कॉमा वन एंड सी इज फाइव कॉमा माइनस फाइव, चलो फटाफट से कर लें इस क्वेश्चन को। तो इसका स्लोप कितना आ रहा था, स्लोप आ रहा था इसका माइनस वन, बी सी का स्लोप आ रहा था माइनस हाफ एंड इसका स्लोप आ रहा था माइनस टू, चलो करो इसका इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, इसको मान लो डी और इसको मान लो ई, तो इक्वेशन ऑफ ए डी, इक्वेशन ऑफ ए डी क्या हो जाएगा बताओ, इक्वेशन ऑफ ए डी हो जाएगा आपका कहां से पास हो रही है लाइन मेरी वाई माइनस सेवन इंटू वाई एक्स प्लस वन, ठीक है एक्स प्लस वन। अब इसका स्लोप बताओ स्लोप क्या होगा, तो ए डी का स्लोप चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूं BC का जो स्लोप है उसका माइनस वन अपॉन एम बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका स्लोप कितना था माइनस हाफ, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा, ठीक है ना रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन। तो अब अपने पास क्या आ गई इक्वेशन y इक्वल्स टू टू एक्स प्लस नाइन आ जाएगा, क्लियर इक्वेशन ऑफ AD आ चुका है, अब इक्वेशन ऑफ BE आप निकाल लोगे ऐसे ही, तो इक्वेशन ऑफ BE में निकाल देता हूं क्या आ जाएगा y माइनस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस सेवन, और यहां से ये स्लोप क्या होगा इसका प्लस हाफ, स्लोप होगा इसका प्लस हाफ। तो एक काम करते हैं अपन, चलो इसको कर लेते हैं 2y क्या हो जाएगा माइनस टू यानी कि प्लस टू, तो प्लस का 9 आएगा ये भी सेम, और यहां से आ जाएगा x, क्लियर ओके सही है। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, तो सेटिस्फाई करा सकते हो जैसे कि इसमें ये जो ऑप्शन है ना सारे सारे ये तो वेरिएबल में है, तो माइनस थ्री कॉमा थ्री को करके देख लो सीधे, तो माइनस थ्री कॉमा थ्री यानी कि सिक्स और सिक्स, माइनस थ्री कॉमा थ्री सिक्स सिक्स है ना, माइनस थ्री सिक्स थ्री रहेगा सही है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसका, ठीक है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री पर, चलो क्वेश्चन नंबर थ्री पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन थर्ड में आपसे कह रहा है ये अ ट्राइंगल एबीसी लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हैज टू वर्टिसेस ए 1.2 एंड बी 3.1, इफ एंगल बीएसी इज ऑफ 90 डिग्री एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज फाइव रूट फाइव स्क्वायर यूनिट्स देन द एप्सिसा ऑफ वर्टेक्स सी इज व्हाट, ओके तो अपने को सबसे पहली बात तो क्या हो गया, एक कोई ट्राइंगल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहा है जिसका वर्टेक्स ए है अपना 1.2, वर्टेक्स बी है अपना 3.1, एंगल बी ए सी 90 डिग्री, ओके एंगल बी ए सी क्या है 90 डिग्री, ठीक है आगे क्या बोल रहा है आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज फाइव रूट फाइव स्क्वायर यूनिट्स, इसका जो एरिया है वो क्या है फाइव रूट फाइव, ठीक है तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ आप कि इसको ना ट्राइंगल को ऐसा करते हैं अपन ऐसे बना लेते हैं ना, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, अब ज़्यादा सही है ना, ये एंगल 90 हो गया, ए हो गया आपका 1.2 एंड बी इज 3.1, ठीक है और इसका एरिया है आपका फाइव रूट फाइव, आसान क्वेश्चन है एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना, चलो देखो चलो आ जाओ देखो। सबसे पहले एक बात मेरे को बताओ आप, एरिया अपने को गिवन है और एरिया होता क्या है हाफ बेस इनटू हाइट होता है एरिया, तो एक काम करते हैं अपन एरिया निकाला इसका हाफ बेस इनटू हाइट, क्लियर तो हाफ बेस इनटू हाइट करो क्या आ गया हाफ बी, बी कितना आएगा इसका डिस्टेंस निकाल लोगे आराम से कितना आ जाएगा थ्री माइनस वन टू स्क्वायर फोर हो गया वन, वन प्लस फोर फाइव रूट फाइव आ गया ये है ना,
बेस आ गया रूट फाइव। हाइट कितना आ जाएगा इसका, एच मान लो हाइट, क्या मान लो हाइट, एच मान लेते हैं ठीक है। चलो आगे देखो, तो ये आ गया आपका एरिया, और एरिया गिवन कितना था अपने को, एरिया गिवन था मेरे को फाइव रूट फाइव, एरिया गिवन था फाइव रूट फाइव, तो रूट फाइव रूट फाइव कैंसिल हो गया, कितना आ गया एच टेन आ गया। अच्छा इसका मतलब ये समझ आ गया मेरे को कि जो इस ट्राइंगल है उसकी हाइट कितनी है, टेन है, हाइट है इसकी टेन। तो एक बात देखो, ये लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, वन कॉमा टू थ्री कॉमा वन, नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं। तो अब देखो ये जो पॉइंट है सी वो क्या है, टेन डिस्टेंस पर है, किससे, पॉइंट ए से। अब इसका डायरेक्शन मिल जाए आपको, तो आप आराम से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन से क्या निकाल लोगे, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लोगे सी के, तो बस वही यूज करना है अपने को। कैसे करोगे आप देखो, 1, 2 अपने को ए दे रखा है, और इस ये डिस्टेंस कितना देखा है अपने को 10, ये डिस्टेंस आया अभी अपना 10। तो एक काम कर लेते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं ना, स्लोप क्या होगा बताओ, इसका स्लोप कितना आ रहा है 1-2 यानी कि -1 है ना, निकालूं मैं स्लोप ऑफ ए बी, क्या आ जाएगा बताओ, स्लोप ऑफ ए बी आ रहा है मेरे ख्याल से 1-2 -1, और नीचे जाएगा 3-1 2, तो -1/2 आ रहा है स्लोप इसका, क्या आ रहा है -1/2। तो इसका स्लोप यदि -1/2 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका स्लोप कितना हो जाएगा 2, दिस इज एम स्लोप ऑफ दिस लाइन ठीक है ना। तो अपने को 2 स्लोप की डायरेक्शन में क्या निकालना है, एक पॉइंट निकालना है विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम ए। तो निकालते हैं, शुरू करते हैं, तो बताओ मेरे को सी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके एच यानी कि 10 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया सी सीधे 10 सॉरी x1 ओहो है ना, कोई बात नहीं देखो x1 प्लस 1 प्लस आर कॉस थीटा प्लस माइनस आर कॉस थीटा, आर कितना है यहाँ पर 10 कॉस थीटा। अब देखो टेन थीटा कितना है अपने पास 2, इसका स्लोप कितना आया है 2, तो स्लोप है यदि 2 यानी कि टेन थीटा कितना है 2, तो टेन थीटा यदि 2 है, टेन थीटा यदि 2 है तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा बताओ जरा मेरे को सोच के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/1, तो 1/√5 आ जाएगा, आराम से निकाल लोगे ये वाला काम है ना, बचपन से करते आ रहे हो आप। और साइन थीटा कितना आ जाएगा बताओ जरा, साइन थीटा आ जाएगा आपका 2/√5, क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें बस वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो फॉर्मूला तो याद आ गया ना, x1 प्लस आर कॉस प्लस माइनस आर कॉस थीटा, और y1 प्लस आर प्लस माइनस आर साइन थीटा ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा कितना आ रहा है 1/√5, इसको सॉल्व कर लेना आप, कॉमा y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा कितना हो जाएगा बोलो, आर बोले तो 10 साइन थीटा 2/√5, तो इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा था, इसमें भुज पूछ रहा था, भुज बोले तो कौन, एफसीसा ऑफ वर्टेक्स सी, तो एफसीसा ऑफ वर्टेक्स सी कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने को, सॉल्व कर लो फटाफट से, 1 ± 2√5 आ रहा है, ये क्या आ रहा है 2√5, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 1 + 2√5, वन ऑफ द वर्टेक्स क्या होगा 1 + 2√5। आगे चले नेक्स्ट देखो, थर्ड हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है ये, इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P1, 4 एंड Q, K, 3 हैज वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू -4, अच्छा देन वैल्यू ऑफ ए, देन अ वैल्यू ऑफ के इज, के की एक वैल्यू क्या होगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है अपने को, और उसमें जो इंटरसेप्ट आएगा है ना, वाई एक्सिस जो इंटरसेप्ट है वो क्या है -4। तो सबसे पहले क्या निकाल लो आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आप देखो ध्यान से क्या करेंगे अपन, पी अपने को गिवन है क्या 1, 4 एंड क्यू इज K, 3। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एम मान लेते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे जरा चेक करो, x+1/2 एंड y+3 क्या आ जाएगा 3, तो 3 + 4 कितना हो गया 7/2, क्लियर, आराम से कर रहे हैं अपन क्वेश्चन को है ना। तो ये जो पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट आ गया, अब इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, y-y1 इक्वल टू x-x1 इंटू एम, एम क्या जाएगा बताओ, इस लाइन का स्लोप निकाल लूं और उसका क्या कर दूं मैं -1/m, तो इस लाइन का स्लोप कितना आएगा बताओ 3-4 यानी कि -1 और k-1, तो -1/k-1 का रेसिप्रोकल क्या होगा k-1/-1 और माइनस नहीं लगाना है, तो k-1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा k-1, आराम से कर लोगे ना इसका स्लोप, स्लोप इसका निकालोगे ना आराम से 3-4/k-1,
ठीक है ना, तो माइनस वन अपॉन के माइनस वन, उसका उल्टा और माइनस साइन के साथ है ना, तो क्या हो जाएगा के माइनस वन। चलते हैं आगे, तो इसको सॉल्व कर लो आप, इसका इंटरसेप्ट निकाल लो आप, है ना, इसका वाई इंटरसेप्ट बता दो कितना आ रहा है, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वाई इंटरसेप्ट आ रहा है मेरे ख्याल से इसका के माइनस देन इंटू दिस, तो माइनस ऑफ के स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू, समझ गए मेरी बात को, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्स्टेंट के साथ। अब ये कॉन्स्टेंट यहां पर तो कॉन्स्टेंट क्या आ गया, ये आ गया राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में कॉन्स्टेंट क्या आएगा सेवन अपॉन टू, तो वहां जाके क्या हो जाएगा वो प्लस का। और ये जो इंटरसेप्ट है वो कितना दे रखा है इन लोगों ने, माइनस फोर दे रखा था, है ना, ठीक है माइनस फोर दे रखा है, तो क्या कर लोगे इसको सॉल्व कर लो, यहां से के की वैल्यू मिल जाएगी, कर लेंगे आगे सॉल्व, है ना। चलो नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव पर देखो, इफ द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 अपॉन रूट 5 एंड 2 अपॉन रूट 5 फ्रॉम द लाइंस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो एक काम करो, पहले तो क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है आपसे, दो लाइंस आपको दे रखी हैं और इस लाइन पर एक पॉइंट है ना, इफ द लाइन दिस वन इज, ये जो लाइन है ये इन दो लाइन से कितने डिस्टेंस पर है, 1 अपॉन रूट 5 और 2 अपॉन रूट 5 डिस्टेंस पर है, तो अपने को क्या कह रहा है वो अल्फा और बीटा की सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम निकालना है। तो एक काम करो, पहले तो आप बताओ क्या करोगे, आप ध्यान से देखो ये लाइन क्या है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, यहां देखो ये क्या है 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये क्या बन गई 2x माइनस वाई प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, ये क्या बन गई 2x, थोड़ा बड़ा लिख दूं, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दें, 2x माइनस वाई प्लस बीटा बाई 3 इक्वल टू 0, आ गया समझे, ये आ गया। तो अब देखो अपने को ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है कि ऑल द लाइंस आर पैरेलल, ऑल द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसका मतलब क्या हो गया, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अपन डिस्टेंस निकालते हैं, क्या आता है सी वन माइनस सी टू का मॉड अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले एक काम करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस लाइन कितना दिखा है अपने को 1 अपॉन रूट 5, तो बताओ क्या हो जाएगा सी वन माइनस सी टू, यानी कि ऐसा करते हैं अल्फा वन अल्फा बाई टू माइनस 3, ठीक है अपॉन में क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 × 4 और 1 × 5, तो रूट 5, एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, ये डिस्टेंस हमने देखा है 1 अपॉन रूट 5, ठीक है, तो अल्फा बाई 2 माइनस 3 का मॉडुलस कितना आ गया अपना 1 आ गया यहां से, क्लियर है बात। चलो सेकेंड बात आ जाते हैं अपन, किसकी कर लेते हैं, दिस लाइन और इस लाइन के डिस्टेंस कितना है 2 अपॉन रूट 5, तो फिर से करो सेम काम, बीटा बाई 3 माइनस 3 का मॉड अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज रूट 5 इक्वल्स टू वॉट 2 अपॉन रूट 5, क्लियर है बात। अब एक काम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ रहा है मेरे ख्याल से बीटा बाई 3 माइनस 3 का मॉडुलस इक्वल्स टू वॉट 2, अब आप क्या करोगे अल्फा बाई 2 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा बीटा बाई 3 माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 2, यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकाल लोगे दो वैल्यू जाएंगी, यहाँ से अल्फा की दो वैल्यू जाएंगी, उनका सम कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, कर लोगे आराम से। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 6, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 2, 2√3 इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन द लाइन x इक्वल टू 1 एट द पॉइंट ए, द रे गेट रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइन दिस वन एंड मीट x एक्सिस अगेन एट पॉइंट बी, मतलब पॉइंट एक्सिस पे कहां मिलती है पॉइंट बी पर, देन द लाइन ए बी पासिस थ्रू द पॉइंट, तो लाइन ए बी जो है वो किस पॉइंट से पास करेगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि अपन ग्राफ बना लेते हैं थोड़ा प्यारा सा, ये हो गया लाइन x इक्वल टू 1, इस पर x इक्वल टू 1 पर एक रे आई, रे से टकराई एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद ये क्या कह रहा है कि ये कहां से पास कर रही है, फिर पॉइंट बी से पास कर रही है, किससे x एक्सिस पर, तो y इक्वल टू 0 हो गई ये लाइन, ठीक है। अभी आपसे कह रहा है कि बताओ ये जो रे आएगी ए बी ये किस पॉइंट से पास करेगी, तो एक काम करें अपन, छोटा सा बताओ पहले, एक काम करते हैं अपन, ये 30 डिग्री है तो बताओ ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, क्लियर है बात। ये पॉइंट जिस पॉइंट से आ रही थी ये लाइन वो क्या था 2, 2√3, देखो ये पॉइंट जो है ना ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट का नाम है कुछ नहीं है, तो पी डाल दो इस पॉइंट को, है ना, क्या डाल दिया नाम इसका पी, ठीक है। चलो तो पी पॉइंट से रे आई आके एक्स इक्वल टू 1 से टकराई, वहां से फिर वापस गई रिफ्लेक्ट होकर कहां पर टकरा रही है इसको बी पर, किसको एक्स एक्सिस को, यानी कि वाई इक्वल टू 0 लाइन को। अब इसका मेरे को क्या करना है, इक्वेशन निकालना है ए बी का, तो एक बात बताओ मेरे को ए बी का आपको स्लोप पता है क्या, ए बी का स्लोप आराम से पता है आपको, देखो ध्यान से
ये 60 है तो ये कितना होगा, ये भी 60 होगा, है ना। ये कौन सी लाइन है अपनी, नॉर्मल लाइन है, किसके लिए, इस x इक्वल टू वन मिरर के लिए। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो बनेगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये 60 है तो ये भी 60, तो ये एंगल कितना हो गया, को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो कितना हो गया ये 120 डिग्री। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी, ए बी स्लोप ऑफ ए बी इज 10 120 डिग्री, एंड 10 120 डिग्री इज 10 180 माइनस 60, 10 180 माइनस 60 इज माइनस 1060, और माइनस 1060 इज माइनस रूट 3, तो इसका स्लोप आ गया माइनस रूट 3। अब माइनस रूट 3 स्लोप आ गया तो क्या करोगे आप, बस पॉइंट मिल जाए मेरे को, या तो ए मिल जाए या बी मिल जाए, तो एक काम करो आप ए पॉइंट निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालोगे, यहां पर x इक्वल टू कितना है 1, तो x इक्वल टू हो गया 1। अब मैं y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उसको मान लो आप अल्फा, मान लिया अल्फा, तो एक काम करो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस लाइन पर, ये लाइन कौन सी होगी बताए, ये होगी y इक्वल टू अल्फा, बिकॉज दिस इज द नॉर्मल रे है ना फॉर दिस लाइन, तो क्या होगा ये परपेंडिकुलर होगा ना, इसलिए तो y इक्वल टू अल्फा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताए क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे आपके P पॉइंट की हेल्प से, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका अल्फा। अब आप आराम से कर सकते हो, बताओ क्या करोगे आप, 1060 ले लोगे, तो 1060 किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं आपसे बात कर रहा हूं AMP की, है ना, इन ट्रायंगल AMP लिख दूं, इन ट्रायंगल AMP, इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो तो क्या दिखाई दे रहा है कि 1060 की वैल्यू होगी MP अपॉन AM, तो यहां से क्या करें अपन, सॉल्व कर लें इसको थोड़ा सा, तो 1060 का वैल्यू जैसा मेरे को पता है क्या होता है, रूट 3, और MP की बात करूं मैं तो MP वैल्यू कितनी है यहां पर, MP वैल्यू है आपकी ये रही, तो यहां पे y कोऑर्डिनेट कितना है 2√3, और यहां y कोऑर्डिनेट कितना है अल्फा, तो इसको मैं कह सकता हूं 2√3 माइनस अल्फा। अब बात करते हैं अपन AM की, तो AM लेंथ कितनी है अपनी, ध्यान से देखो 2, और 2 में से ये वाला कोऑर्डिनेट आप माइनस कर दो FC सा, तो कितना रह गया लेंथ ये 1, तो 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो ये आ गया मेरे ख्याल से 2√3 माइनस अल्फा इक्वल्स टू रूट 3, एंड नाउ यू कैन राइट अल्फा इक्वल्स टू रूट 3, सो अल्फा कोऑर्डिनेट अल्फा इज रूट 3, तो अपन कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 1, √3। अब आपके सामने क्या रखा हुआ है, पॉइंट ए मिल गया, स्लोप ऑफ ए बी मिल गया, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ए बी, सो इक्वेशन ऑफ ए बी विल बी गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ ए बी इज गिवन बाय y माइनस y1 बोले तो कौन, अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है अपनी रूट 3, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से m इज स्लोप, स्लोप कितना आया था इसका रूट 3, तो रूट 3 आ गया स्लोप इसका, माइनस रूट 3 सॉरी, x माइनस x1 कितना है अपना 1, तो उसको सॉल्व कर लो आप आराम से, है ना, क्या हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप इसका निकालोगे तो आपका आएगा 3, −√3 विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ए बी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, 5 इन द लाइन दिस। अब अपने को बताया कभी भी अपने को किसी पॉइंट की, किसी लाइन के अबाउट मिरर इमेज निकालनी है ना, इमेज निकाल दो चीज़ें निकालने को आती हैं, या तो क्या कहेगा आपसे कि लाइन के अबाउट उसकी इमेज निकालो, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, तो इसका तरीका क्या है, या तो क्या है आप प्रॉपर तरीके सॉल्व कर लो, है ना, दोनों लाइन की इक्वेशन निकाल लो, फिर उनको सॉल्व करके आपस में आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, या फिर आपको पता है कि अपने पास जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए x − x1 / a इक्वल्स टू y − y1 / b इक्वल्स टू −a(x1 + b(y1 + c) / a² + b². सो दिस इज द वे टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी लाइन। ठीक है, यहां पर x1 y1 क्या है, वो पॉइंट जहां से अपन ने परपेंडिकुलर डाला है किस पर, लाइन पर। ए बी सी क्या है यहां पर, ए बी सी आर द कोफिशियंट्स इन द लाइन, है ना, ये जो लाइन है इसके जो कोफिशियंट्स हैं, है ना, एक तो x का कोफिशियंट, y का कोफिशियंट एंड एब्सोल्यूट टर्म सी। ठीक है ना, चलो करते हैं शुरू, और इसमें यदि आपको इमेज निकालनी हो तो अपन क्या करते हैं यहां पर बस 2 लगा देते हैं छोटा सा, तो वहां से क्या होती है इमेज निकल आती है, क्योंकि वो डबल डिस्टेंस पर होगी ना उससे। चलो फिलहाल यहां पे कुछ नहीं है, इसको मिटा दें, रब कर दें, चलो देखो तो ये आ गया आपका। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को फटाफट से, तो बताओ क्या हो जाएगा आंसर, x − x1 / a इक्वल्स टू y − y1 / b इक्वल्स टू z − z1 सॉरी क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा ax1 + by1 + c, यानी कि क्या हो गया, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करना है आपको, रख दो फटाफट से 3 − 5 + 1 / a² + b², तो a² + b² क्या हो गया 1² + 1² कितना हो गया √2, तो यहाँ पर रूट नहीं आता है, ये ध्यान रखना है आपको, कभी भी यहाँ पर रूट नहीं आता है, यहाँ पर क्या आता है √√a² + b² का स्क्वायर आता है, दैट इज a² + b², इसको आप सॉल्व कर लो आपको x और y मिल जाएगा। ठीक है, कर लो आराम सॉल्व, x - 3 = y - 5 / −1 = कितना आ गया ये
माइनस का हाफ प्लस का हाफ हो जाएगा, ये सही बोला है मैंने? यस सही बोला है मैंने ना, प्लस का हाफ हो जाएगा। तो यहां से एक्स की वैल्यू तो आ रही है मेरे ख्याल से 7/2, तो ये आ गई आपकी। इमेज निकालनी थी क्या अपने को? इमेज निकालनी थी, इमेज निकालनी है तो क्या फोटो परपेंडिकुलर नहीं निकालना है अपने को, क्या निकालना है? इमेज। तो यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है ना? तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया इससे। तो अपन एक काम करते हैं, सीधे लिखते हैं यहाँ पर क्या आ गया बताओ, 1 आ गया, ये 1 आ गया। तो x की वैल्यू बता दो, आंखों आंखों में क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 3+1 4। तो x की वैल्यू आ रही है 4 और y की वैल्यू कितनी आ रही है -1, यानी कि ये भी आ रहा है 4। तो 4.4 आ रहा है पॉइंट, ठीक है ना? तो देख लो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, रखो 4.4, तो 4-2 4, 4-4 0, ये पहला ही ऑप्शन आ गया इसका, बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हो आप, ठीक है? चले आगे नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 7 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m सो दैट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि m की कैसी कितनी ऐसी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी जिसके लिए इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका जो x कोऑर्डिनेट है ना वो भी क्या हो, एक इंटीजर हो। तो एक काम करते हैं, अपन निकाल लेते हैं दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं बात कर लेता हूं 3x+4y=9 और दूसरा देख रखा है अपने को y=mx+c। तो एक काम करो ना, जब आपसे बात ही वो किसकी कर रहा है, एब्सिसा दैट इज x कोऑर्डिनेट की, तो आप यहां से y की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो आपके पास m रह जाएगा और x रह जाएगा, तो y की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं मैं। सो वी विल गेट 4 × mx+c = 9, ठीक है? अब आप इसको देखो ध्यान से, तो इसको अपन थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं यहां से, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3+4m, प्लस का 4c है, इक्वल टू कितना है 9, तो ये आ गया है ना। और इसको आप सॉल्व कर लो अच्छे से, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा mx+c नहीं है, है ना, क्या है, 1 है ना, mx+1 है यहां पर, है ना? तो क्या आएगा ये 1 1 1 1, ठीक है ना? तो 4 × 1 कितना हो गया 4। तो सॉल्व करो इसको, कितना आएगा x × 3+4m = 9 - 4 5। सो यू कैन राइट हियर x = 5/3+4m। अब अपने से बोल रहा है कि m की ऐसी कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी जिसके लिए क्या हो, x कोऑर्डिनेट भी क्या रहे, एक इंटीजर हो। तो x कोऑर्डिनेट इंटीजर कब आएगा पता है? ये तभी इंटीजर आएगा जब मैं 5 को डिवाइड करूंगा एक ऐसे नंबर से कि वो या तो कंप्लीटली से कट जाए, है ना, कैंसिल आउट हो जाए, तो ये एक इंटीजर आ जाए। तो इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है पॉसिबल, आप देखो ध्यान से। तो इसकी वैल्यू या तो +-1 हो सकती है, +-5 हो सकती है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो +-1 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से करोगे डिवाइड तो ये +-1 आ जाएगा। बात आ रही मेरी बात समझ में? तो कुल मिला के ये 4 वैल्यूज हैं किसकी, m की, जिसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि x इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो करते हैं, तो x की वैल्यू आओ, सॉरी x की वैल्यू तो इंटीजर आ गई, m की वैल्यू आओ चेक कर लेते हैं। तो 3+4m = +-1 रखना है आपको पहले, उसके बाद आपको +-5 चेक करना है, ठीक है? तो आप चेक करोगे ना, तो आप आराम से चेक करना। तो m की वैल्यू क्या आएगी, देखो +1 के लिए चेक करो, तो 1-3 -2, -2/4 -1/2। तो m की वैल्यू आ रही है -1/2, फॉर व्हाट, x = +1। इसकी वैल्यू जो है x नहीं, 3+4m की वैल्यू जो +1 ली मैंने, तो m की वैल्यू क्या आ रही है -1/2। अब -1 ले लो आप, तो -1 लोगे तो क्या होगा, -1 -3 - 4, -4/4 क्या हो गया -1। यस, ये एक इंटीजर आ गया, ये एक इंटीजर आ गया, दैट इज m इज एन इंटीजर। यहां से आप ऐसे +5 ले लो, ऐसे आप -5 ले लो, तो सॉल्व कर लोगे ना आराम से। तो 5-3 कितना हो गया 2 2/4 + 1/2 आ गया, और -5 लोगे तो क्या आएगा -8 -8/4 - 2। तो यहां पर दो ही वैल्यू ऐसी आ रही हैं जिसके लिए क्या आ रहा है, m इंटीजर आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि देयर आर ओनली 2 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आगे चलें, चलो नेक्स्ट। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लेट l डिनोट द लाइन इन द एक्स वाई प्लेन विद x एंड y इंटरसेप्ट एज 3 and 1। ओके, अपने को x इंटरसेप्ट दे रखा है और y इंटरसेप्ट दे रखा है, कितना 3 and 1। देन द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस वन इन दिस लाइन, पहले लाइन की क्वेश्चन लिख लोगे आराम से, आपको पता है आपने 5 फॉर्म पढ़ी होंगी स्ट्रेट लाइन की, जिसमें से ये कौन सी फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में अपन क्या लिखते हैं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a + y/b = 1, लिखते हो नहीं लिखते हो आप, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंटरसेप्ट्स आर गिवन।
तो अब इसके बाद कर लो आप क्या, ये लाइन की इक्वेशन आ गई, इसको थोड़ा प्यार से लिख दो, है ना, x प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू थ्री, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब इस लाइन में आपको इस पॉइंट का क्या बतानी है, इमेज बतानी है। तो इमेज बताने के लिए अभी क्वेश्चन कराया था, क्या लिखाया था कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस टू इंटू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो हो जाएगा आराम से सॉल्व। क्या करना है आपको, x वाई वन क्या लेना है अपने को, माइनस वन कॉमा माइनस फोर, तो लिख दूं चलो मैं x प्लस वन अपॉन में a, a कितना है यहां पर, a इज द कोफिशियंट ऑफ x, तो वन इक्वल टू y माइनस फोर, y माइनस वाई वन क्या आ जाएगा, y प्लस फोर हो जाएगा, अपॉन में b, b कितना है यहां पर, थ्री, कोफिशियंट ऑफ y इक्वल टू माइनस टू इंटू, एक गलती यहां भी होती है, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, है ना, यहां पर जो लाइन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है आपको, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, तो लाइन में पुट करना है अपने को पॉइंट, तो माइनस वन कॉमा माइनस फोर रखो यहाँ पे, तो माइनस वन माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, चार दिया बारह माइनस का थ्री, अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज टेन। ये गलती इसमें हो जाती है ना, अंडर रूट लगा देते हैं अपन गलती से, तो सॉल्व कर लोगे इसको आप, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चले आगे, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। आपको इसमें देखो ध्यान से, आप क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपको, कि इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कहां से पास करती है, पॉइंट 1.3 से, और tan इनवर्स 2 का एंगल बनाती है किसके साथ, इस लाइन के साथ, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसमें जरूरत पड़ेगी अपने को एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। चलते हैं आगे, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये तो पता चली गया, बस क्या नहीं पता उसका, स्लोप नहीं पता अपने को, तो स्लोप मैं निकाल लेता हूं, तो बताओ एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, बताओ क्या हो जाएगा यहां से, ये आ जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा क्या हो जाएगा अपना, tan थीटा कितना लिखा था, रूट टू एम वन माइनस एम टू, एम वन माइनस एम टू, एम टू किसका स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ दिस लाइन मान लेते हैं ना, बात एक ही है, मॉड लगा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका है थ्री रूट टू, क्या है स्लोप, थ्री रूट टू, और यहां से क्या हो जाएगा वन प्लस एम वन एम टू, यानी कि थ्री रूट टू इंटू एम वन। ठीक है, तो यहां से आप एम वन कैलकुलेट कर लो क्या आ जाएगा, बताओ सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एम वन माइनस थ्री रूट टू अपॉन वन प्लस थ्री रूट टू एम वन इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये आता है एम वन प्लस साइन ले रहे हैं पहले ना, पहले हम ले रहे हैं पॉजिटिव साइन, क्या ले रहे हैं पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन बताओ क्या हो जाएगा, एम वन माइनस थ्री रूट टू इक्वल्स टू रूट टू प्लस सिक्स एम वन आ जाएगा। क्लियर है, वो रूट टू इंटू रूट टू, टू टू थ्री जा सिक्स, और सॉल्व करो इसको तो ये आ जाएगा फाइव एम वन, ऐसा करते हैं इसको उधर और इसको उधर ले आते हैं, इक्वल टू माइनस का फोर रूट टू हो गया, तो यहां से आ गया एम वन इक्वल टू माइनस का फोर रूट टू अपॉन फाइव। क्लियर, अब आप नेगेटिव साइन ले लो यहां पर, यहां ले लेते हैं ना नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लोगे तो क्या हो जाएगा, सीधे सॉल्व करते हैं अपन, नेगेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का रूट टू, और ये हो जाएगा माइनस का सिक्स एम वन, है ना, ये हो जाएगा माइनस का सिक्स एम वन, तो माइनस का सिक्स एम वन वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का सेवन एम वन, सही बोल रहा हूं, माइनस साइन लोगे तो यहां से आ जाएगा 6m1, तो ये आ गया आपका 3 टू जा 6, 6 और 1 7, तो ये हो गया 7m1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस थ्री रूट टू और माइनस रूट टू, तो प्लस का थ्री रूट टू हो जाएगा यहां कर, तो थ्री रूट टू माइनस रूट टू कितना हो जाएगा 2 रूट टू, तो ये हो गया 2 रूट टू, सही है, तो m1 बराबर क्या हो गया 2 रूट टू अपॉन 7, तो आपका m1 यहां मिल गया और ये आपको ये मिल गया, है ना, तो आप क्या करो इनको बस पुट कर देंगे, लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे आप, वाई माइनस वाई वन, पॉइंट क्या था 1.3, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन इन टू क्या आ गया m, तो एक बार आपको ये रख देना है 4 रूट टू अपॉन 5, और एक बार आपको ये रख के चेक कर लेना, ठीक है ना, कर लोगे आराम से चेक। ठीक है, चलो चले आगे, थर्ड ऑप्शन आएगा इसका, है ना, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 11 में, देखो अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन दैट अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ दिस लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 1/4। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लो, पहले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे
कि एक आदमी है, एक व्यक्ति है जो किस पे चल रहा है, अपना एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, मतलब ये जो लाइन पर चल रहा है ना, उस लाइन की जो इक्वेशन होगी, उसके जो इंटरसेप्ट होंगे किस पर, कोऑर्डिनेट एक्सेस पर, उनके रेसिप्रोकल का मीन क्या दे रखा है अपने को, 1/4 दे रखा है। तो एक बात बताओ मेरे को आप, यदि किसी लाइन का इंटरसेप्ट आपको दे रखे हों, इंटरसेप्ट आपको गिविन हो, तो उसकी इक्वेशन क्या लिखते हो आप। मान लो एक्स इंटरसेप्ट है ए, एक्स इंटरसेप्ट आपको दे रखा है ए, एंड वाई इंटरसेप्ट आपको गिविन है कितना, बी, ठीक है ना, ए, ठीक है, ए और बी दे रखे हैं। तो क्या लिखोगे आप इसकी इक्वेशन, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 लिखोगे आप, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लाइन है, इसके जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, ए और बी। अब इनका मीन निकालना है रेसिप्रोकल का, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करो तो 1/a और 1/b, और मीन का मतलब क्या है, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मीन इज अर्थमेटिक मीन है ना, और ये कितना दे रखा है अपने को, 1/4 गिवन है क्या, तो सॉल्व करो इसको, तो 2 2 जा 4, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा आ गया 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/2, दिखाई दे रहा है आराम से है ना, 1/2। तो अब इसको आप और सिंप्लीफाई करो, प्यार से लिखो, तो कैसे लिखोगे, 2/a प्लस 2/b इक्वल्स टू 1। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो लाइन है ना, ये रही x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये इनमें से किस लाइन पर लाई कर रही है ना, सॉरी पहले समझा दूं क्वेश्चन थोड़ा सा। थ्री स्टोन्स ए बी एंड सी आर प्लेस्ड एट द पॉइंट्स 1 1 2 2 एंड 4 4, देन विच ऑफ दीज स्टोन इज ऑन द पाथ ऑफ लाइन, तो लाइन पर इनमें से कौन सा स्टोन रखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया इनमें से कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा 2,2 सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। आगे बात समझ में चले आगे, 2,2 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, आ जाएगी ना लाइन की इक्वेशन भाई। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू आर -2,4 and 4,-2। ट्राइंगल है अपने पास पी क्यू आर, ये P मान लेते हैं, इसको Q एंड दिस को R, एंड P इज गिवन -2,4, Q इज गिवन 4,-2, एंड R इज नॉट गिवन। ओके, आगे क्या कह रहा है आपसे, इफ द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, उसकी इक्वेशन हमें दे रखी है। PR बोले तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने दिखाया है, क्या दे रखा है अपने को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताओ, 2x - y + 2 = 0, ये दे रखा है। अच्छा ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, देन दी सेंटर ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इजी है ना, देखो कैसे करेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर का अपने सर्कम सेंटर निकालना है, तो सर्कम सेंटर निकालने का मतलब क्या हो गया, सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी ट्राइंगल। ट्राइंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं साइड्स के, उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, किसका, पी क्यू का, मान लो ये पॉइंट एम पर ड्रॉ हुआ, ठीक है ना, तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, दिस इज द सर्कम सेंटर है ना, जिसको अपन नोट करते हैं किससे, ओ से। तो एक काम कर लेते हैं अपन, बताओ जरा मेरे को जल्दी से फटाफट से, है ना, इसको मान लेता हूँ मैं, चलो लिख लेते हैं ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, बताओ क्या हो जाएगी, इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट निकाल लोगे आप, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, 1 आ गया, 4 - 2 2/2 क्या हो गया, 1, क्या आ गया ये 1, कॉमा सेकेंड -2 + 4 ये भी क्या आ गया 1, तो 1, 1 आ गया पॉइंट, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ वाई सेक्टर, y - y1 = x - x1। इसका स्लोप बताओ क्या आएगा, स्लोप 4 - 4 + 2 6 6/-6 दैट इज -1, तो स्लोप ऑफ पी क्यू निकाल लोगे ना आराम से, तो पी क्यू का स्लोप क्या रहा है -1, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा +1, सिंपल +1 आ गया। तो क्या आ गई इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ये आ गई y = x + ऊपर लिखते हैं इसको, ये आ गया स्लोप ऑफ, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन y = x + 0 आ गया, तो y = x आ गई ये लाइन, तो कर लो सॉल्व y = x को और दिस लाइन को, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, दैट विल बी द सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल पी क्यू आर। कर लोगे आराम से, कर दूं मैं आंखों में, y = x रखोगे तो 2x - x क्या बच गया, x, तो x की वैल्यू आ गई -2, तो y की वैल्यू क्या जाएगी, वो भी -2, तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, देखो क्या कह रहा है आपसे,
क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है आपसे द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइंस x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, x प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री एंड टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स। इन तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन है वो क्या बना रहा है, कौन सा ट्राइंगल बनाएगा, है ना। तो कर लेते हैं, तो y इक्वल टू एक्स लाइन कौन सी हो गई अपनी, ये हो गई y इक्वल टू एक्स, दिस इज लाइन y इक्वल टू एक्स। इस लाइन का क्या हो जाएगा, x प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री, या फिर एक काम करते हैं ना, इसको जरूरत नहीं है ना, रहने देते हैं इसको, क्योंकि लाइन भी कोई इतनी अच्छी नहीं बन रही ज़्यादा खास, ठीक है। चलो तो बताओ लाइन क्या क्या है, y इक्वल टू एक्स, सेकेंड लाइन x प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स। तो देखो जब भी आपको ये निकालना हो ट्राइंगल कैसा बन रहा है, तो एक काम करते हैं, क्या निकाल लेते हैं, वर्टिसेस निकाल लेते हैं ट्राइंगल के ना, और वर्टिसेस से क्या जाएगी, लेंथ ऑफ साइड आ जाएगी, तो अपन देख लेंगे ट्राइंगल कैसा बन रहा है, इक्विलेटरल, आइसोसेलस या फिर राइट एंगल ट्राइंगल, क्या है शुरू बताओ वर्टिसेस क्या आएंगे, है ना। तो इन दोनों को सॉल्व करो पहले आप, तो इन दोनों को सॉल्व करके मान लो ये आ गया पॉइंट ए, क्या आएगा पॉइंट ए बताओ मेरे को जरा, वाई इक्वल टू एक्स रखोगे तो थ्री वाई, या थ्री एक्स, थ्री एक्स इक्वल टू थ्री, तो x इक्वल टू कितना आ गया वन, तो y भी कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, समझ गए मेरी बात को। अब इन दोनों को सॉल्व करो आप, तो एक काम करो इसको टू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो यहां से आएगा टू से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो माइनस का थ्री एक्स, है ना, ये क्वेश्चन नंबर टू, ये क्वेश्चन नंबर वन, ये क्वेश्चन नंबर थ्री। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, सेकेंड इक्वेशन में से माइनस करने जा रहा हूं टू इंटू इक्वेशन नंबर थ्री को, क्लियर होगी बात, चलें आगे। तो इसको टू से मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो टू सिक्स ट्वेल्व, नाइन में थ्री माइनस ट्वेल्व कितना जाएगा माइनस का नाइन, तो एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ से बच्चों थ्री, एक्स की वैल्यू आ रही है थ्री, तो एक्स की वैल्यू थ्री आ रही है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू थ्री पर वाई की वैल्यू आ रही है आपकी मेरे ख्याल से जीरो, वाई की वैल्यू आ रही है जीरो, तो ये आ गया बी पॉइंट अपना थ्री कॉमा जीरो, चेक कर लेना है ना सेटिस्फाई कर रहा है, थ्री कॉमा जीरो कर रहा है, थ्री जीरो, है ना। चलो आगे नेक्स्ट लास्ट, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करोगे तो क्या क्या होगा, 3x अगेन x इक्वल टू टू, तो y इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 2, तो 2 कॉमन 2 आ गया, ये पॉइंट आ गया आपका c, आराम से निकाल सकते हो आप, ठीक है, गाल लोगे अब तो कैसे ट्रायंगल बन रहा है, 1 1 2 2 एंड 3 0, मेरे ख्याल से ये कैसा बन रहा है, आइसोसेलस ट्रायंगल बनेगा शायद, है ना, चेक कर लोगे आराम से डिस्टेंस फॉर्मूले से, करूँ क्या मैं, बताओ ए बी कितना आ रहा है, चलो कर देते हैं फटाफट से, ए बी कितना आ रहा है बताओ, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो ये कितना आ गया, रूट 5 आ गया ये भी। चलो BC बताओ, BC कितना आ जाएगा, BC, BC बोलते हो BC ये वाला, तो ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 आ गया ये भी। चलो AC बताओ, AC कितना आ जाएगा, AC बोले तो कौन, ये है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 2 आ रहा है मेरे ख्याल से, तो ये आ गया रूट 2, तो कुल मिलाकर कैसा ट्रायंगल बन रहा है आपका, आइसोसेलस ट्रायंगल, कैसा बन रहा है आइसोसेलस, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में देखो क्या कह रहा है आपसे, लेट दी ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, अपने को ये क्या दिखा है, अपने को ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड, ठीक है, कह रहा है सी इज द सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, तो जैसे ही मैंने पढ़ा ना सी इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी होती है मेरे पास, कि जो सेंट्रोइड होता है ना वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में ऐड करता है, ये अपने को तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट से। अब ये आगे क्या कह रहा है आपसे, देन दी रेडियस ऑफ सर्किल हैविंग लाइन सेगमेंट ए सी एस डायमीटर, तो पहले मेरे पास ए सी आ जाए तो मैं ए सी अपने आप ही निकाल लूंगा, डायमीटर ऑफ सर्किल अपने आप निकाल लूंगा, है ना। तो एक काम करते हैं पहले अपन सी निकालते हैं, सी इज द सर्कम सेंटर, तो सी क्या हो गया आपका सर्कम सेंटर, ठीक है ना, तो सी को मान लो आप अल्फा कॉमा बीटा, चलो शुरू करें अपन, तो क्या कह रखा है अपने को, एच माइनस 3.5, एक्चुअल में ये ए है, ठीक है ना, जी दे रखा है अपने को सेंट्रोइड 3.3, दिस इज बी एंड द सी, सी इज सर्कम सेंटर, और उसको अपन डिनोट करते हैं ओ से जनरली, है ना, जो ये सर्कम सेंटर होता है उसको ओ से, तो क्या हो गया अल्फा कॉमा बीटा। अब आपको पता है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के, सेंट्रोइड किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में, किसको, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को, तो करो फटाफट से, 2 इंटू सेक्शन फॉर्मूला याद है नहीं है, 2 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, इक्वल टू कितना है ये 3 है ना सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहां से अल्फा आ गया आपका, बताओ क्या आ रहा है, 3 3 9 9 प्लस 3 12, अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों 6, अल्फा की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 6। अब बात करते हैं बीटा की, तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू 5 अपॉन में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर 3 हो जाएगा, तो बीटा कितना आ गया यहां से, 3 3 9 9 माइनस 5 4 4 का मतलब 2, तो ये 2 आ गया, तो अल्फा आ गया 6 एंड बीटा आ गया 2, इसका मतलब जो सर्कम सेंटर है वो क्या आ रहा है आपका 6.2 आ रहा है। अब आगे सॉल्व कर सकते हो आप आराम से,
क्या निकालना है आपको? त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या बोले तो कौन? रेडियस ऑफ सर्किल, है ना? देन द रेडियस ऑफ सर्किल, हाँ रेडियस ऑफ सर्किल निकालनी है, ठीक है ना? मुझे डायमीटर, रेडियस ऑफ सर्किल निकालनी है, तो बताओ क्या निकालोगे आप, कैसे निकालोगे? तो डायमीटर निकाल लो इसका, डायमीटर एसी की लेंथ निकाल लो, उसका हाफ कर देना, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा बताओ? अंडर रूट ऑफ, निकाल दो फटाफट से, एसी, एसी निकाल लोगे, 6 2 और -3 5 क्या हो जाएगा? 9 9 81 प्लस 2 -5 -6 -36, सही लिखा है? 9 9 81 2 -5 -3 9 9 आएगा ये, है ना? 2 -5 यानी कि -3 -3 का स्क्वायर प्लस 9, तो कितना आ गया ये? 90 आ गया। अब 90 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 90 का अंडर रूट हो जाएगा 3 √10 और 3 √10 का हाफ, 3 √10 का हाफ क्या होगा? 3 √10 का हाफ होगा आपका 3 √5/2। 3 √10 का मतलब क्या हो गया? 3 √10 अपॉन, है ना, कर लोगे ना इसको, 3 √10 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? रेडियस आ जाएगा, ठीक है? चलें आगे। चलो देखो नेक्स्ट 15th क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, है ना? तो देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले लेट द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी दिस एंड दिस। वन मिनट, थर्टीन हो गया ना क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या कह रहा है ये आपसे, क्वेश्चन 15 में कह रहा है आपसे, द इक्वेशन, लेट द इक्वेशंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी दिस एंड दिस, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज दिस, देन द इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड। तो एक काम करो, पहले आप, आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, किसकी? साइड्स की, साइड्स की अपनी इक्वेशन दे रखी हैं, दो साइड्स की इक्वेशन दे रखी हैं, और आपसे पूछ रहा है बताओ थर्ड साइड की इक्वेशन क्या होगी। तो एक बात बताओ मेरे को आप, छोटी सी, क्या कि अपने को दो साइड्स दे रखी हैं और साथ में ऑर्थो सेंटर भी दे रखा है, तो एक बात बताओ छोटी सी कि ट्राइंगल दे रखा है अपने को, मान लो ये ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने ए बी और ये सी, और इस ट्रायंगल ए बी सी का मैंने कह दिया इस साइड की इक्वेशन मेरे को पता है, मान लो 3x - 2y + 6 इक्वल टू 0, और इस साइड की इक्वेशन भी मेरे को पता है 4x + 5y - 20 इक्वल टू 0, और मैं कह रहा हूँ इसका ऑर्थो सेंटर ही पता है मेरे को, एच, क्या पता है मेरे को? एच 1,1। तो एक बात बताओ छोटी सी कि नॉर्मल सी बात है क्या कि मेरे को ये पॉइंट मिल जाए, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, और ये मेरे को ऑर्थो सेंटर पता है, तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड यानी कि ऑर्थो सेंटर से पास होने वाला जो लाइन होगा वो क्या होगा? एल्टीट्यूड होगा, नहीं होगा? तो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ए डी नाम देते हैं इसको, है ना, ए डी की इक्वेशन आ जाएगी आराम से, निकाल सकते हो, ठीक है? तो चले आगे, आप सॉल्व करें फटाफट से। तो एल्टीट्यूड ए डी की इक्वेशन निकालो, बताओ ए क्या आएगा, सॉल्व करो इसको फटाफट से आपस में। तो इनको दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट्स आएगा आपका, ये है 4, ये है 2, तो इसको ऐसा करो 5 से मल्टीप्लाई करो आप, और इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, और दोनों को फिर ऐड कर दो, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 15x - 10y + 30 इक्वल टू 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 8x + 10y - 40 इक्वल टू 0, दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से मिल गया आपको 23x - 10 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 10/23। ऐसे आप y की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, y की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करोगे तो 10/23 रखो x की जगह, तो 10/23 का मतलब क्या हो गया? 30/23 + 6, तो ज़्यादा थोड़ी कैलकुलेशन वैसी हो रही है, 10/3 इसमें रख लें क्या, तो ये जगह 40/23 इसमें रख लेते हैं ना, 40/23 - 20 - 60। तो एक काम करते हैं, y की वैल्यू सॉल्व कर ही लेते हैं ना, चलो यहाँ पर करते हैं ना, बताओ क्या आ रही है y इक्वल टू आ रहा है यहाँ से 20 - x की वैल्यू रख दी है आपने 40/23, तो ये आएगा सॉल्व करके 460 - 40 हो गया 420 अपॉन 23 आ गया, ये आ गया y।
अभी बताओ मेरे को एक्स मिल गया, वाई मिल गया आपको। अब आपके पास ये कोऑर्डिनेट आ चुका है 10/23 कॉमा 420/23। अब आपके सामने ए पॉइंट है, तो क्या करें अपन, छोटा सा काम करते हैं। ए है, एच है, तो इक्वेशन ऑफ इसका स्लोप आ गया आपके सामने। तो एक काम करो, कुछ मत करो, इक्वेशन भी मत निकालो, है ना, क्या करो सीधे सीधे इसका स्लोप ले लो, एम वन है ना, स्लोप आ जाएगा। अब इसका स्लोप लेने के बाद इस लाइन की इक्वेशन में जिसका स्लोप क्या हो रहा हो अपना सेटिस्फाई कर जाए आपको, वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप यहां से कर सकते हो, है ना, ज्यादा लेंदी नहीं करना क्वेश्चन को, क्या करना है सीधे ए एच का स्लोप निकाल लो, या मैं कह रहा हूँ ए डी का स्लोप निकाल लो, उसका माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा। अब वो आप चेक कर लेंगे किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ पॉइंट पी मूव्स ऑन द लाइन दिस वन, इफ क्यू एंड आर फिक्स्ड पॉइंट्स देन द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एक बात देखो, अपने को निकालना क्या है एक्चुअल में, अपने को निकालना है लोकस ऑफ सेंट्रोइड पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर का अपना सेंट्रोइड निकालना है। तो पहली बात तो ये हो गई कि अपने को क्यू गिवन है, आर गिवन है, पी गिवन नहीं है, तो पी को क्या मान लो आप, अल्फा कॉमा बीटा। तो ये बताओ मेरे को आप सेंट्रोइड जी कैसे निकालते हैं अपन, x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, पी क्यू एंड आर, क्यू अपने को गिवन है 1.4 एंड आर गिवन है अपने को 3.-2। तो कर लो उसको सॉल्व, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 3, तो अल्फा प्लस 4 अपॉन 3 आ गया कॉमा बीटा प्लस 4-2, यानी कि ये कितना आ जाएगा, बीटा प्लस 2/3 आ गया। ये क्या आ गया अपना सेंट्रोइड, और अपने को क्या निकालना है, इसका लोकस निकालना है। तो क्या मान लें इसको अपन, एच कॉमा के मान लेते हैं। तो दोनों को अपन क्या कर लें, कंपेयर कर लें। तो एच की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से अपने पास, एच की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस 4/3 और बीटा, सॉरी के की वैल्यू आ गई बीटा प्लस 2/3, ये आ गई। अब इन काम करते हैं, यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकाल कर क्या किसको सेटिस्फाई कराते हैं अपन लाइन को, क्योंकि पी किस प्लाई कर रहा है लाइन पर। तो निकाल लो फटाफट से, अल्फा की वैल्यू आ रही है मेरे ख्याल से 3h-4 और मैं बीटा की बात करूँ तो ये आ रही है 3k-2। तो अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर दो इसको आप, तो एच और के में क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, ये आ रही है आपकी 2 × 3h-4 − 3 × 3k-2 + 4 = 0। क्लियर। तो ये क्या आ गई अपने पास, एच और के में इक्वेशन आ जाएगी। नाउ व्हाट टू डू, एच को रिप्लेस करना है एक्स से और वाई को रिप्लेस, सॉरी के को रिप्लेस करना है वाई से, यू विल गेट लोकस ऑफ सेंट्रोइड, कर लेंगे आराम से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो देखो 17 में क्या कह रहा है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन दिस वन। इस लाइन से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं किस पर, लाइन x इक्वल टू y पर। तो उसके अपने को क्या करना है, जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हुए हैं उनके मिड पॉइंट्स का लोकस बताना है अपने को, ठीक है ना, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स, यस लोकस ऑफ मिड पॉइंट बताना है उसका। तो कर लेते हैं, सबसे पहले क्या करोगे बताओ, एक तो लाइन दे रखी है अपने को x इक्वल टू 2y और दूसरी लाइन दे रखी है अपने को x इक्वल टू y, ठीक है। तो अपने को इस लाइन से इस लाइन पर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो इसको मैं प्यार से क्या लिख सकता हूँ, x − y = 0। तो इस लाइन पर ड्रॉ करना है, तो एक काम करो इस पर पॉइंट ले लेते हैं, अल्फा कॉमा क्या ले लें, अल्फा बाई 2। इस लाइन पे मैंने पॉइंट ले लिया अल्फा कॉमा अल्फा बाई 2। अब इस पॉइंट से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया x − y = 0 पर, और इसका जो मिड पॉइंट होगा उसका लोकस बताना है। तो उसको क्या मान लोगे आप, h कॉमा k मान लो, तो h कॉमा k मान लिया, इसको पॉइंट p बोल देते हैं, इसको पॉइंट m बोल देते हैं। तो अपने को ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अपने को पता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए, देख रहे हो 3-3 क्वेश्चन आ चुके हैं अपने पास अभी इसके, है ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे अपन, x − x1 / a, y − y1 / b ax1 + by1 + c / a² + b² विद नेगेटिव साइन, ये आ गया। तो निकाल दो इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, ये हो गया x − α = y − α/2 / a / b। a कितना है पर 1, b कितना है -1। सॉल्व कर लोगे आराम से यहाँ से, माइनस ऑफ रखो इसमें पॉइंट अपना, अल्फा कॉमा अल्फा बाई 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 दैट इज अल्फा बाई 2 आ गया। नीचे क्या जाएगा, a² + b² कितना हो जाएगा अपना 2। तो इसको सॉल्व कर लो फटाफट से बस, है ना। अब अपने को करना क्या है, x की वैल्यू आ गई यहाँ से, चलो कर दें थोड़ा सा और, x की वैल्यू क्या आएगी देखो, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अल्फा बाई 4 माइनस का है, अल्फा इधर आएगा तो क्या आएगा 3α/4। तो x की वैल्यू तो आ गई 3α/4 कॉमा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 कितना हो गया यहाँ से, प्लस का अल्फा हो गया, तो y का वैल्यू आ रहा है अल्फा। अब अपने को क्या कह रहा था, वो मिड पॉइंट का लोकस बताना है किसका,
पीएम का, तो पीएम का मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकाल लो मिड पॉइंट फॉर्मूला से, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 3 अल्फा बाय 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू कौन सा मिड पॉइंट है एच, एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन क्या आ जाएगा अपना मिड पॉइंट अपॉन 2 इक्वल्स टू के। कुछ नहीं करना, बस दोनों से अल्फा को एलिमिनेट करना है, आपके पास आंसर होगा। ठीक है, तो यहां से आप आराम से इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं लोकस की। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन 3x + 5y = 15 विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस विल लाई ओनली इन, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये पूछ रहा है, क्या किससे, अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस वन, इस लाइन पर एक पॉइंट है कोई भी जो कि इक्विडिस्टेंट है किससे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। तो एक काम कर रहे हैं अपन, पॉइंट मान लें, सबसे पहले आप पॉइंट क्या मान लोगे, ले लेते हैं चलो, है ना, x इक्वल टू मैंने अल्फा मान लिया, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है चेक करें जरा फटाफट से, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 3 अल्फा अपॉन 5, अपने को x कोऑर्डिनेट मिल गया, y कोऑर्डिनेट मिल गया, एंड ही सेइंग दैट x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट, तो अपने को ये तो कह नहीं रहा है ना कि दोनों के दोनों किसमें, दोनों पॉजिटिव है ना, तो अपने क्या कर लिया, अपने मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल कर लिया, तो क्या हो गया x इक्वल टू मॉड y कर दो बस, तो क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 15 माइनस 3 अल्फा अपॉन 5, क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएंगी, चेक करते हैं फटाफट से क्या आ रही है अल्फा की वैल्यूज, तो देखो प्लस माइनस अल्फा इक्वल्स टू व्हाट 15 माइनस 3 अल्फा अपॉन 5, सॉल्व करो इसको फटाफट से, पहले प्लस साइन ले लूँ मैं और यहाँ पे ले लेते हैं अपन माइनस साइन, ठीक है चलो, अब प्लस साइन से क्या आएगा 5 अल्फा 8 अल्फा 15 अपॉन 8, क्या गया ये अल्फा, जब मैंने क्या लिया है पॉजिटिव साइन। अब माइनस साइन में देख लो क्या हो जाएगा, माइनस 5 अल्फा -2 अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू आ रहा है -15/2, राइट, ये आ रहा है माइनस का 15/2, ठीक है सही है, ये आ गया माइनस का 15/2, तो अल्फा मिल गया आपको। अब इस अल्फा के अकॉर्डिंगली अपन चेक कर लेते हैं कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसके अकॉर्डिंगली, है ना, तो अल्फा की वैल्यू 15/8 आप यहाँ पे रखो, तो 15/8 हो गया 15 * 3 = 45, 8 * 5 = 40, इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा आने वाला है पॉजिटिव, तो अल्फा की वैल्यू 15/8 के लिए कैसा आ रहा है वाई, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसकी बात कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू -15/2 यहां रखोगे तो प्लस हो जाएगा, और ओवरऑल सारा प्लस प्लस प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या आएगा आंसर पॉजिटिव आएगा, तो इसके लिए भी वाई कोऑर्डिनेट क्या कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया अपना सेकंड क्वाड्रेंट, तो अपना जो पॉइंट है वो किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वी विल गेट थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में देखो क्या कह रहा है, 19 में कह रहा है आपसे 19 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सपोज दैट दी पॉइंट्स एच कॉमा के 1, 2 एंड -3, 4 लाई ऑन दी लाइन L1 इफ अ लाइन L2 पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एच कॉमा के एंड 4, 3 इज परपेंडिकुलर टू L1, ओके ठीक है, देन के अपॉन एच इक्वल्स, पढ़ लिया क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, एक लाइन है जो इन तीनों पॉइंट से पास करती है, ठीक है ना, L1 है उसका नाम, और दूसरा अपना एक और लाइन है L2 वो पास करती है किससे, H, K यानी कि कॉमन पॉइंट हो गया, और दूसरा 4, 3 से, और साथ में क्या है परपेंडिकुलर है किसके L1 के, तो कह रहा है कि के अपॉन एच की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या आ गया कि एक लाइन है L1 जो पास कर रही है तीन पॉइंट से, है ना, इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको B और इसको C, तो A B C से पास कर रही है कौन, लाइन L1, और जो लाइन L2 है वो पास कर रही है अपना कॉमन पॉइंट H, K और इसके परपेंडिकुलर भी है, तो कुछ ऐसे हो गई, ठीक है ना, अब और साथ में क्या कहता था 4, 3 से ही पास कर रही है, तो यहां मान लेते हैं 4, 3 रहा होगा, है ना, इसको पॉइंट डी बोल देते हैं, डी, तो कर लोगे आराम से, कैसे बताओ, बी और सी से दो पॉइंट से पास हो रही लाइन की इक्वेशन निकाल लो आप, आ गई L1 की इक्वेशन, फिर आप क्या करो डी से पास होने वाली और इस लाइन के क्या है ये परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप यदि M1 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा -1/M1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे को लाइन L1 की इक्वेशन मिल गई और लाइन L2 की भी इक्वेशन मिल गई, तो दोनों को सॉल्व करूंगा तो कॉमन पॉइंट मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड देट विल बी H, K, सही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं करना अपने को, बी और सी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो बी और सी से पास होने लाइन की इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ L1 देखो क्या हो जाएगी, फटाफट से बता दो, ये हो जाएगी y -2 = x-, क्या हो जाएगी x माइनस आ जाएगी आपकी ये x-1,
इंटू स्लोप, स्लोप कितना जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस का हाफ आ गया स्लोप। अच्छा इसका मतलब क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ L1 मिल गई मेरे को है ना, और सॉल्व करें थोड़ा सा इसको, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 2 टू जब 4 प्लस 4 और प्लस का 1 पहले से था वहां पर, तो 5 हो गया, ठीक है ना, x प्लस 2y इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया, ये आ गया 5, बिल्कुल सही है। ठीक है अब अपन चलते हैं किस पे, इक्वेशन ऑफ L2, तो बताओ L2 की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ L2 है ना, लिख लें तो बताओ क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ L2, स्लोप निकालना पड़ेगा, इसके लिए स्लोप निकालना है, इसका बराबर से क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा था माइनस हाफ, तो इसका स्लोप कितना हो गया, इसका मतलब प्लस 2, और प्लस 2 हो गया स्लोप, तो निकाल दो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1, y माइनस y1, y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 4 इनटू m, m कितना आ रहा है इसका 2 आ रहा है, अब इन दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी द पॉइंट h कॉमा k। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर, 20 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ द टू लाइंस, इफ द टू लाइंस x प्लस a माइनस 1 इंटू y इक्वल्स टू 1 एंड 2x प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 1 वेयर a बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0 एंड 1 आर परपेंडिकुलर देन द डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किया अपना डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो एक काम करें अपन पहले अपन क्या कर लेते हैं, ये दोनों लाइन सर परपेंडिकुलर, दोनों लाइन यदि परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, माइनस वन आना चाहिए, तो अपने को साफ साफ दिख रहा है इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप m1 मान लेता हूं मैं, तो इसका स्लोप आ रहा है 1 अपॉन 1 माइनस a, और मैं इसके स्लोप की बात करूं तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, माइनस a अपॉन b, यानी कि माइनस का 2 अपॉन a स्क्वायर, तो अब इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, माइनस 1 होगा, सो अपन क्या कर लें, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्यार से, 1 अपॉन 1 माइनस a इंटू माइनस का 2 अपॉन a स्क्वायर, ये होना चाहिए माइनस 1, तो यहां से आ रहा है मेरे ख्याल से ये a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस हो जाएगा a स्क्वायर, और ये आ गया आपका a क्यूब, ठीक है, तो ये आ गया आपका कुल मिला के a माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ठीक है चलो कलो मल्टीप्लाई क्या आ गया, ये ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2 आ गया, सॉल्व कर लेंगे क्या आ गया बताओ, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a की क्यूबिक इक्वेशन बन रही है a में, तो हिट एंड ट्रायल से क्या कर लें अपन, a की वैल्यूज रख के देख लेते हैं, सबसे पहले क्या रख के देखोगे 0, 0 पर सेटिस्फाई कर ही नहीं रहना, 1 रखोगे तो 1 पे क्या आएगा, नॉट सेटिस्फाइड, तो a की वैल्यू आप रख लो माइनस 1, ए की वैल्यू माइनस वन रखता हूं तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव रहेगा ही, परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या मिला अपने को 0, तो इसका मतलब a इक्वल टू माइनस 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो a प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर होगा, और a प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, चेक कर लेते हैं, a है यहां पर तो क्या चाहिए अपने को a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर मिल गया तो क्या चाहिए माइनस का a स्क्वायर, दैट इज माइनस 2a रखना पड़ेगा, माइनस 2a यानी कि माइनस का 2a, तो क्या चाहिए अपने को प्लस का 2 है ना, माइनस का 2a मिल गया, माइनस 2a के बाद क्या चाहिए 2a, क्योंकि अपने को a का टर्म इसमें चाहिए नहीं, तो ये मिल गया अपने को इक्वल टू क्या चल रहा है 0, तो आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, यहां से एक एक रियल वैल्यू मिल रही है a इक्वल टू माइनस 1, बाकी जो अपने यहां से क्या मिलेगा अपने को a इमेजिनरी मिलेगा, और a इमेजिनरी मिलेगा इसका मतलब क्या हो गया अपना, अपन कह सकते हैं कि a की वैल्यू माइनस 1, a की वैल्यू माइनस 1 क्या कर लो आप पुट कर लोगे इसमें, तो पुट करोगे तो क्या आएगी इक्वेशन, अच्छा क्या कह रहा था लास्ट में वो, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो निकाल लोगे आंसर आराम से है ना, a की वैल्यू माइनस 1 इसमें रख दो आप, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन निकाल के क्या कर लेंगे ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूले से आप इसका आराम से क्या निकाल सकते हो, ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है करें इसको सॉल्व, ए एक्स माइनस 2y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 बन गई, एंड इक्वेशन नंबर 2 बनेगी आपकी a इक्वल टू माइनस 1 रखने पर 2x माइनस प्लस हो जाएगा y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों सॉल्व कर लो, दोनों को ऐसा करो 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो क्या हो जाएगा ये 5x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 3/5, x की वैल्यू आ गई 3/5, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू 3/5 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/5 यानी कि माइनस का 1/5, चेक कर लो ये आ रही है, x की वैल्यू 3/5 पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 माइनस 3/5 यानी कि 2/5 1/5 आ जाएगी है ना, तो माइनस 1/5 आ रही है, तो x की वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई, क्या करना था अपने को इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, निकाल लोगे आराम से, ठीक है चलो तो ऐसे करना है इसको, तो ये थे आपके सारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस जो अपन ने कहां से कहां तक लिए हैं अपने 2020 2021 से, ठीक है तो ऐसे कर लो, उसके बाद अपने चलेगा यूनिट नंबर 6, ठीक है चलो करते रहो मेहनत, थैंक यू।